अरे अम्मा, खैरियत? हम सबके साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं खाएंगे? आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा, जैसे स्कूल भेजते हुए खिलाती थी ना? बिल्कुल वैसे। फिर मेरी दो चोटियां भी करते। जरूर। क्या खबर फिर इसका मौका मिले ना मिले। अम्मा आप प्लीज रोइएगा मत। बेटी की तारीख तय हो जाए तो मां के आंसू तब तक नहीं रुकते जब तक बेटी लाल जोड़ा पहन के घर से रुखसत नहीं हो जाती। तुम जानती हो ना तुम मेरे दिल में रहती हो। जानती हूं मां। यह भी सच है कि हमेशा तुमने मेरी ममता की लाज रखी है। मैंने तो कभी आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमेशा किया है, अब भी कर रही हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में बहुत खदशे हैं, मेरे दिल में भी हैं। लेकिन इसके सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझता। मैंने राबिया को तुम्हारी तस्वीर भी दी थी और आलिया की भी, तो मुनासिब रिश्ता ही नहीं आया। अल्लाह गवाह है अगर सैफुर रहमान से एक भी बेहतर रिश्ता आया हो तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी। माँ मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। सैफुर रहमान सादा लड़का है, मुझे पता है वो जरीना के हाथ में है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारा उसने सलूक उसको बदल देगा। मेरी जान शुरू शुरू में मुश्किलें होती हैं, सब लड़कियों को होती हैं, लेकिन समझदारी और सब्र सब मुश्किलात को कम कर देती है। तुम तो वैसे भी मेरी औलाद में सबसे ज्यादा समझदार हो, मुझे पूरा यकीन है तुम कभी भी मेरा सर नहीं झुकाओगी। जी अम्मा। एक बात और कहना चाहती हूं, उस घर जाओगी तो वहां जाके इस घर की कोई बात ना कर।